नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों का स्वागत है हमारे चैनल डीके टेक्निकल ज्ञा में। तो आज हम इस वीडियो में पोषण ट्रैकर ऐप में अन्नप्राशन दिवस की एंट्री कैसे करेंगे, आइए आज इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि अन्नप्राशन दिवस हो या कोई भी आप अगर अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर इवेंट करते हैं तो उसकी एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर राइट साइड के कोने में यहाँ पे नीचे देखेंगे कि एक ऑप्शन दिया गया है मोर या ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा तो आपको उस पर टच कर देना है। टच करने के बाद एक पेज खुल के आएगा जो इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोग देख पाएंगे घटनाएं या इवेंट लिखा हुआ होगा तो आपको उस पर एक बार टच कर देना है। जैसे ही आप लोग टच करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक और नया पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे, योग दिवस, VHSND और CBE और ट्रेनिंग मॉड्यूल। तो अभी यहाँ पे हमारा जो नेट है वो थोड़ा स्लो चल रहा है जिसके कारण यहाँ पे थोड़ी सी लेट हो रही है। तो देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे चार मॉड्यूल खुल के आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि CBE जो इवेंट है उसको भरने के लिए हमें CBE वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें हर महीने दो इवेंट करने होते हैं। पहला इवेंट जो है वो आप लोगों को गोदभराई दिवस जो हर 7 तारीख को हम लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे करते हैं, तो उसकी एंट्री अगर आप नहीं किए हैं तो आप उसकी एंट्री ज़रूर कर लें। और आज हम आप लोगों को अन्नप्राशन दिवस की एंट्री करने के बारे में बताएंगे। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे क्या आपने इस महीने CBE का आयोजन किया था, तो यहाँ पर हाँ वाले पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डेट डालना है, यानी आज का डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो 19 तारीख का डेट यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें थीम सेलेक्ट करना है कि किस थीम को हम लोग आज आयोजित किए हैं। तो हम यहाँ पे अन्नप्राशन दिवस को सेलेक्ट करेंगे। कई जगहों पे क्या होता है कि सुपोषण दिवस मनाया जाता है, तो जो भी आप लोग मनाते हैं वो आप लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे। देखिए हर महीने आपको दो ही इवेंट करने हैं, या आप अन्नप्राशन दिवस कीजिए, सुपोषण दिवस कीजिए, दोनों में से कोई एक, और एक यहाँ पर गोदभराई दिवस, दो ही इवेंट आप लोगों को हर महीने करने हैं। अगर आप लोग इसमें से कोई भी एक इवेंट छोड़ देते हैं तो आपको प्रोत्साहन राशि मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप लोग हर महीने दो इवेंट जरूर करें। तो यहाँ पे हम अन्नप्राशन दिवस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम सुरक्षित करे वाले पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो इवेंट है वो आज का सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपका जो अन्नप्राशन दिवस की एंट्री है वो सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में हर महीने दो इवेंट आप लोगों को आयोजित जरूर करनी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पोषण ट्रैकर ऐप से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।